बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ माश की दाल की रेसिपी। माश की दाल ढाबे स्टाइल मसाले वाली दाल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, माश की दाल ली है मैंने और उसको बॉईल कर लिया है, एक बड़े साइज़ की प्याज ऑमलेट साइज स्टाइल में काट ली है, एक टमाटर बड़े साइज़ से काट लिया है, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये भगार के लिए ही चाहिए, गोल या लोंगे मिर्चें भी कहते हैं, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाले का पाउडर और पिसी हुई हल्दी पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल लूँगी मैं आधी प्याली जितना। पैन में हम ऑयल डालेंगे, ऑयल को करेंगे थोड़ा सा गरम और गरम करने के बाद इसमें आमलेट साइज स्टाइल की कटी हुई बारीक चॉप की हुई प्याज को फ्राई करेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसमें डाला है एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर बारीक कटा हुआ। माश की दाल को बगैर नमक के बिल्कुल सादा पानी में बॉईल कर लिया था मैंने। अब मैं इसकी मसाला तैयार कर रही हूँ, तो इसमें मैंने प्याज अदरक लहसुन और टमाटर डाला है, इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इसमें मैं डालेंगे अच्छी तरह से मसाले। मसालों में डाल रही हूँ एक टीस्पून भर के नमक, एक टीस्पून भर के डाल रही हूँ मैं पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, आधी टीस्पून डाल रही हूँ धनिया पाउडर। चारों मसालों को प्याज टमाटर और अदरक लहसुन के साथ करूँगी फ्राई। इसको अच्छी तरह से हमें एक ग्रेवी की तरह बनाना है मसाला भून के, तो थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ, आधी कप, आधी प्याली पानी ही जितना ही पानी डालना है, बहुत कम से, और इसको भूनते रहना है। इस तरह से मसाला भून गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दाल, माश की दाल धुली हुई बॉयल की हुई, इतनी बॉयल की थी कि इसका कलर मैच नहीं हुआ था, थोड़ी खड़ी खड़ी सी है, मतलब एक कनी रह जाती है जिस तरह से चावलों में, वैसे इस तरह एक कनी है इसमें। मसाले के साथ में दाल को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके अंदर अब शामिल करेंगे हम पिसे हुए गर्म मसाले का पाउडर आधी टी स्पून। पिसा हुआ गरम मसाले का आधी पाउडर आधी टीस्पून डालने के बाद इसमें मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया डालूँगी और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे पानी, दो टेबल स्पून जितना भर के पानी डालना है इसके अंदर, ताकि जो ये दाल हल्की सी कनी है वो सही हो जाए और मसालों के साथ पक जाए। और इसको मैं लगा रही हूँ दम पर 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और इसमें मैं लगाएंगे भगार, दो टेबल स्पून जितना ऑयल डालेंगे एक फ्राई पैन के अंदर, और उसमें मैं डाल रही हूँ ये लौंगिया गोल मिर्च, और इसको अच्छी तरह से भगार देंगे। आधी टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला है, भगार गरम गरम दाल के अंदर लगाएंगे तड़का, मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएगी ढाबा स्टाइल माश की दाल। सो करती हूँ मैं डिश आउट। मज़ेदार सी माश की दाल ढाबा स्टाइल दाल तैयार है, इसको डिश आउट करें, चपाती के साथ सर्व करें, मज़ेदार सी। फिर लोड कराऊंगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।